नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और साथों साथ होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि 30 फीट बाय 40 फीट के प्लाट में ज़्यादा से ज़्यादा रूम एडजस्ट हो। हमने 30 फीट बाय 40 फीट का एक प्लाट है जिसमें हमने 4 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन एडजस्ट किया है। वो किस टाइप में एडजस्ट किया है उसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आपको यह प्लान या वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं प्लान की तरफ। देखिए, ये जो है इस टाइप में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 फीट बाय 40 फीट का ये पूरा प्लॉट का साइज है। देखिए, ये 30 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट का साइज है, मतलब 30 फीट बाय 40 फीट का, मतलब पूरा टोटल जो स्क्वायर फुट का एरिया आता है तो वो 1200 स्क्वायर फुट का आता है और 1200 स्क्वायर फुट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में रोड है और बाकी तीनों साइड में दूसरों के प्लॉट्स है, लेकिन वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है इस प्लान में। देखिए, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको डायमेंशंस और भी क्लियर नज़र आए। 30 फीट बाय 40 फीट में यह पूरा प्लान एडजस्ट किया है और ये जो मेन ग्राउंड फ्लोर लिखा गया है इस साइड में हमारा रोड है, एक ही रोड है। और इस प्लान में जो है आउटर वॉल जो हमने 9 इंच की ली है और इनर वॉल जो है 4 इंच की ली है, जो रेगुलर लेते हैं उसी टाइप में। देखिए, रोड से एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक गेट रहेगा, गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे स्टेप चढ़ के इस ओटी पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इस हॉल में, हमारे लिविंग रूम में। यहाँ पे हमारा मेन डोर रहेगा। इससे पहले स्टेयर के यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है ऊपर की फ्लोर पर जाने के लिए, जो सीढ़ी स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम एंट्री करेंगे इस लिविंग रूम में। लिविंग रूम का साइज जो मिलता है हमें 14 फीट 10 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब 14 फीट 10 इंच बाय 10 फीट का। और इस लिविंग रूम को एक डोर दिया है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए और एक विंडो यहाँ पर दिया है, और एक विंडो और यहाँ पर और एक विंडो यहाँ पर दिया है। तो ये जो है आप देख सकते हो, ये ओपन टू स्काई रहेगा, ये जो एरिया रहेगा ये ओपन टू स्काई रहेगा क्योंकि इस साइड में हमारा प्लॉट नहीं है। तो यहाँ पर हम छत नहीं डालेंगे ताकि इस लिविंग रूम को और ये जो बेडरूम है, दोनों इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिले और ये जगह जो है हम इस डोर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में लिविंग रूम के बाजू में एक बेडरूम दिया गया है 10 फीट बाय 10 फीट 7 इंच का, इस बेडरूम का साइज है, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट 7 इंच का, और एक विंडो यहाँ पर दिया है। तो ये जो है हमारा एक फर्स्ट बेडरूम है और सेकंड बेडरूम जो है यहाँ पर दिया गया है। इस बेडरूम का साइज जो दिया गया है 12 फीट बाय 9 फीट का है, मतलब 12 फीट बाय 9 फीट का, और इसे एक विंडो यहाँ पर दिया है। ठीक है, मतलब 2 बेडरूम तो हमारे हो चुके हैं, एक लिविंग रूम है। और आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है। तो ये जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फीट 7 इंच बाय 4 फीट का जो है यहाँ पर बाथरूम, और यहाँ पर 4 फीट बाय 4 फीट का एक टॉयलेट दिया गया है। और इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए पीछे के साइड में एक ओपन डक्ट रखा गया है। ये जो ओपन डक्ट रखा गया है ये काफ़ी बढ़िया साइज दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेडरूम दिया गया है 11 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का, मतलब ये तीसरा बेडरूम हमारा 11 फीट 6 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का, और इसे एक विंडो यहाँ पर दिया है और एक विंडो यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर भी हमने ओपन टू स्काई रखा है, ओपन डक्ट रखा है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, मतलब हमारे ये 3 बेडरूम हो चुके हैं, लिविंग रूम है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया। यहाँ पर जो है हमने किचन दिया है 11 फीट 4 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का, इस किचन का साइज है, मतलब 11 फीट 4 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का। और किचन को जो है पीछे साइड में एक डोर भी दिया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, और यहाँ पर एक विंडो दिया है। ठीक है, तो बड़ी फैमिली के लिए ये काफ़ी बढ़िया प्लान है। और लास्ट वाला जो है हमारा मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस मास्टर बेडरूम का साइज जो दिया गया है 12 फीट बाय 10 फीट का है, मतलब 12 फीट बाय 10 फीट का, और इसे एक अटैच वाले बाथरूम भी दिया गया है यहाँ पर, और एक ओपन डक्ट भी रखा गया है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 30 फीट बाय 40 फीट का, मतलब टोटल 1200 स्क्वायर फुट का ये प्लॉट का एरिया है, जिसमें हमने 4 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, कॉमन टॉयलेट बाथरूम और एक बेडरूम को अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है। स्टेयरकेस जो बाहर से दिया गया है ताकि ऊपर का फ्लोर जो है, ऊपर का मंजिल जो है आपको रेंट के हिसाब से देना है, मतलब किराए के हिसाब से देना है, तो कोई भी दिक्कत ना हो। ये स्टेयरकेस जो है ऊपर के फ्लोर आराम से यूज़ कर सकता है, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस टाइप में 4 बेडरूम और एक हॉल, एक किचन एडजस्ट किया गया है। आशा करता हूँ कि यह प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो इस प्लान को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट में यह प्लान ना बैठे या आपके प्लॉट के साइज में यह प्लान ना बैठे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह प्लान किसी और के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस प्लान से किसी को कुछ फ़ायदा हो, किसी को कुछ सीखने को मिले, या हो सकता है यह प्लान जो है किसी के प्लॉट पर परफेक्ट बैठे।
तो किसी और के लिए ये वीडियो जो है आप शेयर जरूर करें। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिजाइंस हमने अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हजारों प्लान्स और डिजाइंस हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।